आपको तो बचपन से सुन रहे हैं। कौन से बचपन? पिछले जन्म से भी मैं गा रहा हूँ क्या? इसके बचपन में भी मैं गा रहा था मतलब। ओ रियाज, कितनी देर करते हो आप एवरीडे? जिस इंसान ने टाइम निर्धारित कर लिया ना, वो संगीत को वैसा प्यार नहीं करता मतलब। अभी भी बिटवीन द इंटरव्यूज में अंदर था मेरा, तानपुरान था, मैं आज भी अभी भी रियाज कर रहा हूँ। मुझे जितना वक्त भी मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रियाज करूँ। अब तो आजकल तानपुरा फ़ोन पे आ गया है तो आप लेकर घूम सकते हैं, फ्लाइट में बैठे होंगे तो भी आप लगा रहे सुर लगा सा कुछ आप लगाइए सुर लगाइए, पैसेंजर साइड में उसको मालूम नहीं पड़ेगा क्योंकि आप दम है तो रियाज कर पाते। ऐसे कीजिए, अब ये रियाज कीजिए, एक सुर पकड़िए। तो कभी कभी तानपुरा जो मेरे फ़ोन का है उसमें टाइमिंग आता है, कभी 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 दो घंटा आएगा, कभी आठ घंटा, आठ आठ घंटा रियाज करता हूँ मैं कभी कभी, फ्लाइट से लेकर गाड़ी में, होटल में, ऐसा तो कोई हिसाब नहीं होता रियाज का। जब मौका मिले रियाज करो। जब मैं वर्कआउट करता हूँ बिटवीन द सेट्स, तो मैं म्यूजिक में वर्कआउट करते वक्त इंग्लिश म्यूजिक नहीं सुनता या लाउड म्यूजिक नहीं सुनता, मैं साइलेंस में वर्क करता हूँ। मेरा तानपुरा चलता है बिटवीन द सेट्स, तीन मिनट होंगे, दो मिनट होंगे, डेढ़ मिनट होंगे, कुछ भी, उसमें मेरा रियाज चलता रहेगा। तो रियाज तो करना ही पड़ता है, ये करत की विद्या है। राइट, ये करत की विद्या है, अगर आप नहीं करेंगे तो ये विद्या आपके हाथ से छूट जाएगी। Right. जिम की बात करी आपने, जिम और पहली चीज जो मैंने आपको बोली, आप आते हो फिटनेस गोल्स देके चले जाते हो, फिर लगता है यार ये भी करना पड़ेगा, अभी इतना ही और हमें भी फिट होना है। मुझे बोलिए अभी व्हेन पीपल वॉक अप टू यू एंड दे से लाइक, अपने से बड़े बड़े भी कई बार होते होंगे ऐसे इंसिडेंट जहाँ पे अरे सोनू जी आपको तो बचपन से सुन रहे हैं। हाँ, मतलब मुझे कल परसों में रिश्ता कलकत्ता में, लिटरली मतलब वेरी वेरी ओल्ड, मतलब खैर मैं खुद ही 50 का तो मैं क्या हूँ, बट आई एम अराउंड 65-67 की होगी वो। आपको तो बचपन से सुन रहे हैं। कौन से बचपन? पिछले जन्म से भी मैं गा रहा हूँ क्या? इसके बचपन में भी मैं गा रहा था मतलब। ओ तो कोफ्त बचती होगी ऐसी, क्या है भाई क्या? मुझे नहीं, इसका कारण भी मैं समझता हूँ। देखिए जैसे वो सिक्स मैं बोल रहा हूँ, अगर वो कोई मतलब कोई साठ साठ की कोई लड़की है या आदमी है, कोई भी साठ का है, तो जब मैंने शुरू किया था फेमस, जब मैं हो गया था, तो अगर मैं उस समय 19 साल का होऊंगा तो ये 29 के होंगे। अब हम देखते थे 29 हम तो बचपन ही लगता है हमारा, 28-29 बचपन लगता है हमें। तो उनका बचपन का कहना मतलब ये नहीं है कि हम गोदी में थे, उससे ऑल्दो लाइक हम आपको उस ज़माने से जानते हैं जब हम बहुत छोटे थे, कमसिन थे। तो मैं आई अंडरस्टैंड दिस एंड आई डोंट टेक इट, बिकॉज मेरा करियर एक्चुअली ही बहुत लंबा रहा है, इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग करियर। उनकी गलती है नहीं, फॉर देम आई एम फॉरएवर। राइट, 32 साल से एक आदमी फेमस है या 31 साल से फेमस है, तो इट्स लाइक इट्स अ लॉन्ग, आज के ज़माने में इतना लंबा अंतराल किसी को मिलता नहीं है फेमस होने का। सो इसलिए वो कहते हैं, तो मैं इसको आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। राइट, ऑफ कोर्स इट इज इंडीड अ कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज सबको यही याद है कि हमारे गोल्डन ईयर्स में ऑफ कोर्स सोनू निगम साहब हैं और ये गाते हैं। अभी मुझे बोले म्यूजिक की, जैसे मैंने बात की थी ट्रांसफॉर्म कितना हो गया है तब से लेके अब तक जो हम बात कर रहे थे, अभी बड़ा वो शॉर्ट टर्म म्यूजिक में बोलूँ या यू नो गोल्डफिश मेमोरी टाइप्स हो गया, वो पहले रिंगटोन गाने होते थे अभी रील गाने हो गए है ना। आपके टाइम पे 5-5, 7-7 मिनट के गाने थे जो हमें याद रहते थे, उसके ऊपर व्हाट डू यू हैव टू से? वैसे आपने ये बात की तो मुझे भी इस बात का, आई ऑलवेज कीप यू नो कंपेयरिंग इन्फॉर्मेशन। देखो अगर आप और हम देखें 50 से गाने भी छोटे होते थे पता है, दो तीन अंतर होते थे म्यूजिक, ऐसे कुछ छोटे छोटे म्यूजिक होते थे। सो इन 3.5 or 4 मिनट्स वो गाने ख़त्म हो जाते थे। फिर एक दौर आया लंबे गानों का 80s में, 90s में, संदेश आते इतना लंबा गाना 97 में आया था, और भी गाने ए आर रहमान के गाने कितने लंबे होते थे। तो उस आई थिंक टाइम इज कम बैक टू स्मॉलर सॉन्ग्स, इजंट इट लाइक अ वेव। अगर आप पहले जैसे कितने ऐसे गाने हैं रफ़ी साहब लता जी के आते हैं पट 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 खत्म हो जाते हैं, बहुत लंबे नहीं है वो, 3.5-4 मिनट में ही होते थे। अभी भी ऐसे ही है, 4 मिनट तक में ही गाने आते हैं। फिर ऑफकोर्स यू कैन मेक शॉर्ट रील्स आउट ऑफ इट, वो अलग है। तो अब लंबे गानों को शायद जमाना इतना नहीं है, हो सकता है इन द नेक्स्ट 10 इयर्स हम आपस में बैठ के बात कर रहे हो कि देखा हमने बात की थी, अब वापस लंबे गाने शुरू हो गए। यू नेवर नो, लाइफ इज लाइक दैट, ये वेव है, ऊपर व्हाट गोज डाउन कम्स अप एंड व्हाट गोज अप कम्स डाउन, ऐसा होता ही है।